माली दम कोई पानी पौना ते पर मशका पावे उस मालक दा कम फल फुल लाना ते लावे जाना लावे बादशाह थी बादशाह थी वो भीख मंगावे ते तख्त बहावे काई कुछ परवाह नहीं करियो दे विच ते दायम बे परवाही जो किसी परिवार के वड्डे जी ने आना होवे हैड ने आना होवे ते छोटियां दा फर्ज बनता है कि आने तो पहला जगह भी देखे माहौल भी देखे और जो जो ड्यूटी लगी एज अ वर्कर वो करनी चाहिए है। मैं एज छोटे जदन जो वर्कर की हैसियत नाल ही दिल्ली तो आया क्योंकि 5 तरीक नूं साहब तशरीफ लिया रहे हैं मैं क्या नाले पाजना बहाने ना पंजाब हो मित्रां मिले आने नाले रैली देखा यही मकसद जिस तरह किसानी अंदोलन तीनों बिल तुसी वापस दिते है। हाँ जी बीजेपी सरकार पंजाब दे विच जिहड़ी बीजेपी दी एंटी चल रही थी हुण काफ़ी कांग्रेसी लीडर भी तुसी जिहड़ा है उन्हां नूं बीजेपी दे शामिल करदे किस तरह भविष्य लग रहे हैं इस तरह जी जिस वेले ते जिस अंदाज ना ते जिमें जिथे कीता उन्होंने ऐलान वो बड़ा कमाल सी। पहला तो साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ऐसी हस्ती आ मेरा ख्याल इक्को ही हस्ती आ जिन्हों सारे धर्म एहतराम ना देखते जगत गुरु कहा जाता उन्होंने गुरपुरब से साहब ने अनाउंस किया तो जिस तरह किया एक प्रधानमंत्री एड्डी वड्डी कंट्री का जिथे सब तो वड्डी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होवे एड्डे मैंडेट तो बाद अगर उन्होंने ये महसूस होया तो उन्होंने कहा कि समझने में या समझाने में मुझे लगता है कोई कमी रह गई है हर बात को भूल के छोड़ के दरकिनार करके मैं माफ़ी मांगता हूँ देशवासियों से भी देश से भी और किसानों से भी। लेकिन तो नहीं लगता कि इस चीज़ को समझने तक काफ़ी लंबा समय लिया गया 700 तो वध किसान जड़े हैं उस मोर्चे तो बाद शहीद हुए। हाँ जी काफ़ी देर नहीं होगी सी कोशिशें की हैं इलेक्शन टाइम में लैके सी कि उन्होंने लग गया कि बीजेपी कितने ना कितने डाउन जा रही है तुसी तो देखो मीडिया च कोशिशें बहुत कीतियां जी कि जल्दी वाइंड अप हो जाए मेरी कोई हैसियत नहीं ना मैं डिसीजन मेकर हाँ ना मेरे कोई यहोजा पोर्टफोलियो आ मेरे वर्गा छोटा बंदा भी लगा रहा जलंधर आके मैक्सिमम इंटरव्यू किए उदो अजे अंदोलन शुरू ही होया सी अजे दिल्ली गए भी नहीं सी साडे भरा भैणा ते मैं उत्थे आके बड़े कॉन्फिडेंस ना कहा सी कि आओ जिन्हें जिन्हें प्रधानमंत्री साहब नूं मिलना मैं लेके जाना ते एक्चुअली जिन्हें भी कोशिश की जिन्हिया भी कोशिशां कीतियां हर वारी असफल रहियां चलो एंड इज़ वैल ऑल इज़ वैल फिर भी शुक्र करो दाते दा जिहड़े जी चले गए उन्होंने मेरी दिलों क्योंकि मैं अपने आप ना रिलेट करके देखदा मैं उन्होंने देखदा जो मेरे घर चो कमियां हो गई जिन्हां लोकां दियां मेरे मैनू लगता मेरा ही बाप सी मेरा ही भरा सी मेरा ही कोई छोटा वीर सी जिहड़ा उत्थे शहादत पा गया। जे गल करिए संयुक्त किसान मोर्चे की उन्होंने भी कितने ना कितने उन्होंने आपस पाठ पै गया कि अभी जरा इलेक्शन खड़ा गए उस उन्होंने तुम किस तरह देखते हो कि वो बीजेपी या बीजेपी वोट पागे बीजेपी या बीजेपी वोट पवाना या किसी सपोर्ट करना ये तो उन्होंने एक तो कहते जी मन चलेगा सौदा जिदा उन्होंने मन करेगा उन्होंने मन च की आ केंद्र दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलों दियाँ जाने बयाना तो उदा लगता है कि वह फुली सियासत में कुद पाया जिहड़ा कि उन्होंने खुद कंडेम किया कि सियासतदान सियासत नू लागे नहीं आउण देना
तो हुण खुद जदों वोटां मंगणगे तो कैसा लगेगा। इट्स क्वाइट इंट्रस्टिंग। और मेरी मेरी जिहड़ी ड्यूटी है ना जी, मैं अपना उन्होंने भी खैर मना, उन्होंने भी खैर सूफी का होंगे, वो किसी का बुरा नहीं मना। हाँ सर, इतनी दिल्ली तो आए, दिल्ली तो आम आदमी पार्टी की जी सरकार है, वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि उसे हॉस्पिटल अच्छे है, स्कूल की गल कर रही है, तो वही मॉडल पंजाब से लैके आवे, किवें देखोगे तुसीं? मैं ये देखागा कि उन्होंने दिल्ली का जो क्या है ग्राउंड लैवल से जितना वो कहिंदे ने उन्ना नहीं है, पंजाब च तो बिल्कुल ही एवं ही मतलब वो हाथ पला मार रहे हैं। जदों वक्त आया सी, आज जो पिछला इलैक्शन सी, लोगों थोड़ा जा एक सी दिल में एक लहर सी उठी है, अभी लोगों लगता सी, पर वो एक्सपोज हो चुके हैं, वड्डे वड्डे साथी छड गया, कादी पार्टी है जिथे थिंक टैंक ही छड जान, प्रशांत भूषण वर्गे बंदे, यादव वर्गे बंदे, वो शायर है एक साडा की ना उन्होंने बहुत बड़ा कुमार विश्वास वर्गे बंदे, इतों 11-12 MLA छड गए, MP छड गए, तो उन्होंने चाहिए दिल्ली संभालो, दिल्ली का पोल्यूशन खत्म करो, उत्थे साह लेना मुश्किल है। मैं इतने एंटर होया, मैं क्या ओ शुक्र है मेरे मालिका, मैं पंजाब आ गया, मैं साह तरू ना लै सकांगा, उत्थे दम घुटदा। करोना तो पहला भी असी मास्क पाते, बच्चे भी स्कूल जान लगे, तो हूँ पहला करोना ना स्कूल बंद रहे, हूँ पोल्यूशन की वजह ना स्कूल पिछे बंद है। PM साहब की मोदी नहीं, PM साहब की रैली है, मोदी साहब की रैली है। हाँ जी, वो ऐलान करे, वे बंदे ने बादशाह कुछ भी करे, तो पता ही है साहब का, उन्हें सरप्राइज ही देना होंगे सारे। पिछले एक साल तो बैकफुट से पंजाब के, हुण जे गल कीती जावे तां लगातार जिहड़े आ BJP दे कई जे 30 साल तो कार्यकर्ता हैगे ने, ओह कित्थे मायूस दिख रहे ने कि पंजाब दे विच जिहड़े आ दल बदल के जिहड़े लोक आ रहे आ उन्हां नूं पहल दित्ती जा रही आ, जो पंजाब दे विच जिहड़े हावी हो रहे ने ते पुराने जिहड़े आ ओह बैकफुट ते, किवें देखोगे इस बार BJP? ये मैं तुहाडा मैसेज बहुत ऑनैसटली पहुँचा दूंगा, इस मैसेज का जवाब मैं डिप्लोमैटिकली नहीं देवांगा, ये तुहाडे वल्लों ही मैं एज इट इज़ पहुँचाऊँगा कि जी इस तरह भी सोचा जाता, इस गल ते भी विचार करो। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ BJP? BJP ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੇਡਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਖਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਰਾਜ ਰੁਜੇ ਸਭਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੀਖ ਜਿਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, MP ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕੇ ਨੇ PM ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਬਸ ਤੂੰ MP ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੌਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਧ ਕੁੰਧ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੱਫੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਐਂਡ ਲਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਅਜਮਾਉਣਾ? 2022 ਮੈਂ MP ਬਣਨਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ,
मैं दुनिया तो इस करके थोड़ी हाँ परेशान ही रहा हूँ पै होर भैन भैन भरावान चांस देवे 2022 कि सीटा अपनी सरकार बन जानी बीजेपी की महाराज की कृपा ना।